परिवहन विभाग द्वारा ISBT बस स्टैंड प्रतीक्षालय में वैक्सीन कैंप लगाया। इस अवसर पर RTO अधिकारी श्री संजय तिवारी जी एवं समस्त स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित रहे। वैक्सीन महाअभियान पूरे भारत में आज चलाया जा रहा है, उसकी सफलता हमें देखने को मिल रही है। RTO विभाग द्वारा वैक्सीन का कैंप VRTS बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय में लगाया गया है। यहाँ पर जो यात्री हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर है जिनके पास समय नहीं देता, उन ड्राइवरों को वैक्सीन लगाई जा रही है, कंडक्टरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से जमाड़ा लगा हुआ है। RTO विभाग द्वारा ये कैंप लगाया गया है और RTO विभाग हमेशा ये चाहता कि मेरे बस ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित रहे, इसी उद्देश्य लेकर आज विशाल कैंप का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि सब ये बाहर के यात्री यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं, ड्राइवर से भी कंडक्टर लगा रहे हैं। सुबह से एक कैंप लगे हुआ है, यहाँ पे स्वयं RTO साहब संजय तिवारी जी बैठे हुए हैं और उनकी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। हम आपको बताया वैक्सीन सब यहाँ पे जो है ड्राइवर कंडक्टर और बाहरी लोगों की वैक्सीन आई तो लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है कि वो आके यहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। स्टाफ के द्वारा समझाइश दे देते उनको वैक्सीन लगाने के प्रेरित किया जा रहा है। हेडलाइन 24 संतोष उषा में दूर दूरी सर, आज पूरे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, आपके RTO द्वारा भी कैंप्स लगाए गए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है, इसका प्रयास यह है कि अधिकतम लोग वैक्सीन अपना लगाएं। हमारा भी यहाँ प्रयास है, हमने यहाँ ICBT में वैक्सीनेशन केंद्र बनाया हुआ है जिसमें यथासंभव सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए करना प्रेरित और ज़्यादातर वैक्सीन लगाया जा रहा है। सर अभी लग कितने लोगों को वैक्सीन लगी हुई है? अभी तक लगभग 200 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी लोगों को लगाने की संभावना है। ड्राइवरों को एक्चुअली पहले से लग चुका है वैक्सीन, जिनको नहीं लगा उनको लगाया।